अरे ये तुम दोनों यहाँ क्यों बैठे हो? मेरा मूड खराब है बड़ी बाजी। अच्छा जनाब, तो ये बताएं ये मूड क्यों खराब है? हमारे स्कूल में कलर डे है, हमें ऑरेंज कलर का ड्रेस चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। चाचू अपने मेहमान के साथ बिजी हैं, वो उन्हें कंपनी दे रहे। कौन, वो चलाको मासी? कौन चलाको मासी? नहीं, मेरा मतलब है किस मेहमान की बात कर रहे हो तुम दोनों? है वो आंटी, जब से वो आई चाचू उनसे बहुत खुश है। इसका मतलब है वो गई नहीं अभी तक यहाँ से। खैर देखो, अगर चाचू नहीं दिला रहे तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना, मैं लेके चलूंगी तुम दोनों को बाजार और हम वहां से जाके ऑरेंज ड्रेस लेंगे, ठीक है? बस मुझे 2 मिनट दो, मैं अभी आती हूँ। हाय। दादी जान, कहीं नजर आ रही है आपको दादी जान? आइए। वैसे मुझे समझ जाना चाहिए था कि वो बावकार खातून घर पे नहीं होंगी, तभी ये नजारे देखने को मिल रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि जैसे दिखता है ना वैसे होता नहीं है। तौबा तौबा। आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए आई हैं या कोई और बात भी करनी है आपको? मैं क्यों आपसे मिलने आने लगी, मैं तो बच्चों से मिलने आई थी। और हाँ, दादी जान से भी मुझे एक जरूरी बात करनी थी। ऐसा क्या काम था आपको दादी जान से? वो बच्चों के स्कूल में कलर डे है ना, तो उनको ऑरेंज कपड़े खरीदने हैं। लेकिन आपको थोड़ी फुर्सत है क्योंकि आप अपनी जिंदगी में रंग भरने में ज्यादा बिजी हैं, तो बच्चों पे क्या फोकस करेंगे आप, है ना? क्या बात है मिस परी, आज तो आपके अंदाज बिल्कुल ही बदले हैं। क्या मतलब? आपको मेरे जज्बात का मजाक उड़ाने की इजाजत किसने दी? बाकी तारीफ कर रहा था आपकी। नहीं चाहिए मुझे आपकी तारीफ, अपने पास ही रखें, जा रही हूँ मैं। और वैसे भी अगर आपको फुर्सत मिल जाए ना तो बच्चों को कपड़े दिला दीजिएगा, वरना वो काम भी मैं कर लूंगी। हाँ ये ठीक रहेगा। तुम ऐसा करो, ये पैसे रखो और बच्चों को जिस रंग के भी कपड़े चाहिए ना, जहाँ से भी चाहिए वो उनको दिलवा दें।